ने अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन योजना के तहत भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिसमें भीलवाड़ा में 16 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास होगा। इस मौके पर सांसद सुभाष बेहड़िया, सभापति राकेश पाठक, विधायक विठल शंकर और अवस्थी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक ही सोच है कि आम जन के उपयोग में आने वाली सुविधाओं का कैसे विस्तार किया जाए हर दृष्टि से विस्तार हो, तो रेलवे सबसे बड़ा आम जन का आवागमन का साधन। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा काम तो किया प्रधानमंत्री जी ने कि जो रेल बजट बिल्कुल अलग पेश होता था, अलग होता था, सब उसको मालूम ही नहीं पड़ता था, भारत के मुख्य बजट का हिस्सा रेलवे को भी बनाया। यानी आज की तारीख में रेल बजट अलग पेश नहीं होता, नहीं तो पहले जब आम बजट पेश होता था उसके दो दिन बाद या दो दिन पहले रेल बजट पेश होता था, 2014-15 बजट पेश। तो देखिए, अमृत महोत्सव रेलवे स्टेशन का शुभारंभ, देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का विकास होगा। और देखिए, देश भर के जो ये तमाम रेलवे स्टेशन हैं इनका विकास और कायाकल्प किया जाएगा। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम भी योजना में शामिल किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और कुल मिलाकर 508 रेलवे स्टेशन हैं जिनका विकास किया जाएगा और कायाकल्प किया जाएगा। देश भर के ये तमाम रेलवे स्टेशन जहां पर मॉडर्न टेक्निक्स अब लगा, वहां पर उच्च स्तरीय तकनीक का विकास किया जाएगा और यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए तमाम टेक्नोलॉजी से लबरेज ये स्टेशन होंगे। 16 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर राजस्थान में ये स्टेशन का पुनर्विकास होगा।